आपके अपने YouTube चैनल नर्सिंग एम में स्वागत है एक बार फिर से प्यारे से अपडेट के साथ। नर्सिंग एम आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जो नॉर्थ सेट 5 का मेन एग्जाम हुआ था और मेमोरी बेस पे क्वेश्चन आए थे। ज़्यादा हार्ड नहीं था क्वेश्चन, मीडियम लेवल का क्वेश्चन था, मेमोरी बेस्ड पे था। तो उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लेके आए हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इस वीडियो में आज नॉर्थ सेट 5 के मेन एग्जाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बारे में आपको जानकारी देंगे। तो उससे पहले आप हमारा छोटा सा काम कर दीजिए, नर्सिंग एम को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा भी उत्साह बना रहे और हम नई नई अपडेट आपके लिए लाते रहें, और अपने मित्रों के साथ भी यह इन्फॉर्मेशन शेयर जरूर करें जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की इन्फॉर्मेशन की ओर। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों? सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो पोस्टें थी, लगभग पोस्टें हैं वो 3 से 4 हज़ार के बीच थी। अगर पोस्टों की बात करें, पोस्ट नॉर्थ सेट 5 की लगभग 3 से 4 हज़ार के बीच में पोस्टें थी, और इसमें मेल कैंडिडेट हैं वो लगभग 10 हज़ार ने एग्ज़ाम दिया था और फीमेल ने लगभग 10 हज़ार ने एग्ज़ाम दिया था। दोनों का 50-50 रेशो माने, और टोटल जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे प्री में वो 20 हज़ार कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। ठीक है साथियों, तो 20 हज़ार कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे और मेल फीमेल का 50-50 रेशो माने तो 10-10 हज़ार मेल फीमेल ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है साथियों, और रिजल्ट के बारे में बात करें, रिजल्ट लगभग 10 से 15 अक्टूबर के बीच में आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एग्ज़ाम का रिजल्ट है आपका जल्दी आ जाएगा। और इसमें जनरल ओबीसी एससी एसटी की सबकी अलग अलग कट ऑफ आपको बताएंगे, EWS। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल की, मेल कैंडिडेट की। तो मेल कैंडिडेट जिनके 66% बन रहे हैं और फीमेल के 58 के बीच में परसेंटेज बन रहे हैं, तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। क्योंकि साथियों, लगभग हम 80 से 90 क्वेश्चन करते हैं, फिर नेगेटिव मार्किंग होती है, नेगेटिव मार्किंग कारण 20 से 30 क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, जिससे 60 से 70 क्वेश्चन ही हमारे सही होते हैं। तो कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं रहेगी, कम ही रहेगी। तो जनरल की वो थी, बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की मेल की इसमें 63% रहेगी, जिनके 63% बन रहे हैं वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है। फीमेल की, तो फीमेल के 54% के आसपास रहेगी। तो ये दोस्तों हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं, ना ही हमारा चैनल ये दावा करता है कि यही आपकी कट ऑफ रहेगी। नर्सिंग एम केवल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके लिए लेके आया है, फाइनल कट ऑफ हम आपको नहीं बता रहे हैं, हम केवल संभावित कट ऑफ ही आपको बता रहे हैं। ना ही हमारा चैनल ये दावा करता है कि आपकी यही कट ऑफ रहने वाली है। हम अनुमानित कट ऑफ आपके लिए लेके आए हैं और वही आपके वो बताने चाहते हैं। और मेल की बात करें तो 60% के अगर बीच में बन रहे हैं मेल के, तो वो अपने आप को सेफ जोन में मान सकता है। और फीमेल के 49% जिसके बन रहे हैं, तो वो अपने आप को सेफ जोन मान सकता है, और सभी प्लस माइनस हो सकता है एक दो का। बात करें एसटी की, तो एसटी में मेल में 58% और फीमेल के 45% बन रहे हैं, तो वो अपना सिलेक्शन सेफ जोन में मान सकता है।
तो प्लस माइनस हो सकता है EWS मेल और फीमेल की, तो EWS में लगभग 65 मेल के बन रहे हैं और फीमेल के 53% बन रहे हैं, तो वो अपने आप को सेफ जोन में समझें। तो ये एक्सपेक्टेड कटौती जो हम आपके साथ शेयर की है, फिर भी कोई समस्या कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी प्यारी सी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।